तो यार एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं फार्मर्स डायनेस्टी। तो गाइज पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमने अपने लिए एक बहुत ही बड़ा ग्रेन हार्वेस्टर खरीदा था, जिसको खरीदने में अपनी सारी की सारी जमा पूंजी चली गई थी। लेकिन आखिरकार हमने उसको खरीद लिया था, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पाए थे। अब जिन्होंने पिछला एपिसोड देखा था उनको याद होगा कि उसका जो आगे का ग्रेन हेडर था ना भाई, हमें वो भी खरीदना था और वो था सिर्फ 5-6 हज़ार यूरो का। लेकिन अपने पास उस समय वो भी नहीं थे। लेकिन अभी यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे जो अपने क्रॉप्स है, एक साइड अपनी पीज लगी है और एक साइड लगी है अपनी दूसरी क्रॉप, और दोनों की दोनों रेडी हो चुकी है। इस साइड कौन सी है मैंने देखा नहीं। हाँ ठीक है, इधर बेरली है और उधर है पीज। अब यहाँ पे देखो दोनों जो क्रॉप्स यहाँ पे रेडी हो चुकी है। लेकिन देखो अपने पास ग्रेन हार्वेस्टर तो है, लेकिन हार्वेस्ट करने के लिए हमें जो ग्रेन हेडर है वो खरीदना पड़ेगा, ताकि हम उसको अपने ग्रेन हार्वेस्टर में अटैच करके जितनी भी क्रॉप्स है ये सारी की सारी हम हार्वेस्ट कर लें। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने थोड़ी सी भी देरी करी, क्या पता एक दो दिन बाद ये जो क्रॉप्स है वो खराब हो सकती है, क्या पता बारिश हो जाए तो ये खराब हो जाए। लेकिन अभी यहाँ पे भाई साहब सारे के सारे सीड्स ख़त्म है भाई, यहाँ पे सीड्स भी मुझे खरीदने पड़ेंगे। आप देखो यहाँ पे जितने भी सीड्स हैं ना, वो सारे के सारे मैंने सो करके जितना भी हमें टमाटो मिला सारा का सारा मैंने बेचा, और उससे अभी मैंने काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। लेकिन अभी मैंने आपको एक बहुत ही तगड़ी चीज़ दिखानी है। अब आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में अपने जो करेक्टर है उसका जो लड़का था, छोटा सा बेबी था, वो बहुत ही छोटा था। लेकिन अभी पता नहीं क्या चमत्कार हुआ भाई, एक दिन के अंदर अंदर वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अभी मैं चल के दिखाता हूँ। अबे भाग कहाँ गया ये, यहाँ पे ऊपर भी नहीं है, नीचे भी, नीचे तो नहीं खड़ा रखा कहीं, सबसे नीचे। ओके वो रहा भाई यहाँ पे अपने चिकन कूप के पास में, देखो आपको दूर से दिखा होगा, तो अभी उसके पास लेके चलता हूँ। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। कहाँ गया, ठीक है देखो ये रहा यहाँ पे। अभी फटाफट चलते हैं अंदर। ये शरारती कर रहा है क्या भाई, चिकन चुकन को मार तो नहीं रहा ये, एक बार देखा जाए। देखो ये रहा वो छोटा सा चिरकुट, पता नहीं एक दिन में ऐसा क्या चमत्कार हुआ जो इतनी जल्दी ये बड़ा हो गया। आई थिंक इसको कॉम्प्लेन पिलाया गया है तभी ये इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है। इससे बातचीत करके देखें यहाँ पे कुछ बोलता भी है। What's up, mate? ठीक है, कुछ बोला तो कम से कम इसने, डैड तो बोला, बट उसके बाद ये शांत हो गया। इसका मतलब अभी ये ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा। देखो अभी यहाँ बेचारा अंगड़ाइया ले रहा है। अब देखो इसको ना खाना पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, वैसे खाना तो अभी ज़्यादा खाएगा नहीं, बड़ा हो गया। लेकिन देखो अभी एक काम करते हैं, अभी ना अपनी काउस का फटाफट चल के मिल्क निकालते हैं, ताकि हम इसको मिल्क वगैरह दे सकें, नहीं तो बेचारा कमज़ोर पड़ जाएगा, और हम नहीं चाहते कि जो छोटा सा बेबी है वो कमज़ोर हो जाए। तो अभी एक काम करते हैं, अभी फटाफट जितने भी एग्स है पहले मैं सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे करता हूँ, ठीक है। आज यहाँ पे मेरा भाई ऑमलेट खाने का मन कर रहा है, वैसे किचन में हम जा सकते हैं लेकिन बाद में, क्योंकि अभी अपने बंदी की जो वाइफ है शायद से वही किचन में लगी होगी। हमें देखना पड़ेगा कि आखिरकार आज हमारे खाने में क्या बना है। तो अभी फटाफट चलते हैं बाहर की साइड में। और देखो अभी ना हमें चल के जो हार्वेस्टर का कॉर्न हेड, मतलब क्या कहते हैं उसको, ग्रेन हेडर है, वो हमें खरीदने चलना है, और आराम से खरीद लेंगे। 5-6 हज़ार यूरो का था ना, अभी तो मेरे पास 40-50 हज़ार यूरो हो चुका है। तो फटाफट जो अपनी अभी इतना ही मिल्क दिया नहीं इसने, नहीं अब पूरा मिल्क निकालेंगे भाई इसका। योर कैट डजेंट वर्क टू। अब भाई देखो यहाँ पे ना आपको याद हो कि काफ़ी टाइम पहले मैंने अपनी जो कैट है उसको यहाँ पे फिश ला के दी थी, और तब से लेकर अब तक, सही कह रहा हूँ, उसको मैंने एक भी फिश ला के दी नहीं है। बेचारी इतनी कमज़ोर हो चुकी है, उसको भी ना मुझे खाना पीने देना पड़ेगा, नहीं तो देखो यहाँ पे जितना भी अपने बंदे की वाइफ खाना बनाती है ना वो सारा का सारा नीचे स्टोर होता है। तो अगर हम अपनी कैट को खाना नहीं खिलाते टाइम पर तो सारा का सारा जो खाना है वो चूहे खा जाते हैं। यस, वो सारा का सारा खाना चूहे खा जाते हैं। तो अभी काम करते हैं, अभी फटाफट चलते हैं नीचे पेंट्री में और देखते हैं कि आज हमारे खाने में हमारे लिए क्या बना है, ठीक है, एक बार देख लिया जाए। ओके यहाँ पे स्टफ पेपर्स है, और यहाँ पे एक और चीज़ पड़ी है, इसको मैं इन्वेंटरी में, ओ है भाई साहब हैमबर्गर भी है। चलो आज कुछ हमें बढ़िया सा खाने को मिलेगा। अभी फटाफट चलते हैं बाहर की साइड में। एक मिनट, यहाँ पे जो मिल्क के कैन है मैं लेके आया हूँ, पहले मैं पेंट्री में ऐड कर दूँ, ताकि जो अपने बंदे की वाइफ है इनको अपने बच्चे को बॉयल करके देती रहे। वैसे एक कैन पड़ा बट कोई नहीं, यहाँ पे मैं एक दो और करता हूँ यार, जितने भी सारे कर दो। एक अपने पास पड़ा हुआ है बट कोई नहीं, यहाँ पे इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो अभी चलते हैं फटाफट बाहर की साइड में, ठीक है। अभी यहाँ पे कितने पैसे अपने पास यहाँ पे पड़े हैं, देखो अभी अपने पास 49,000 यूरो है भाई, आराम से अपना काम हो जाएगा। एक काम करते हैं, सुबह सुबह ना थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी खाते हैं, यहाँ पे सुबह जंक फूड नहीं खाते। अपने पास जो हैमबर्गर है वो हम बाद में खाएंगे, थोड़ा सा दूध भी पी लेते हैं ताकि अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ जाए। तो ठीक है अभी एक काम करते हैं, अभी ना फटाफट यहाँ से निकलते हैं। अब देखो यहाँ पे वो कौन हेडर ना पता नहीं हमें कहाँ मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ना 3-4 कार की शॉप है, लेकिन देखो मुझे याद नहीं है कि मैंने उसको पिछली बार कहाँ से बाय करा था। एक बार ना यहाँ पे चल के देखे क्या, शायद से यहीं से मैंने बाय करा था। तो अभी काम करते हैं फटाफट चलते हैं। और भाई ये जो ग्रेन हार्वेस्टर है ना भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। अब देखो एक तो इतना बड़ा है,
और अभी ना मैं देखना चाहता हूँ कि हम ना इसमें कितना सारा जो क्रॉप्स हैं, जो वीट वगैरह कुछ भी है वो स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा है। अब देखो पिछली बार आपको याद होगा जो अपने पास ये कहाँ अटक रहा है भाई, एक मिनट इसको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। एक तो इतना बड़ा है ना तो निकालने भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब देखो पिछली बार आपको याद होगा जो अपने पास पुराना हार्वेस्टर पड़ा था ना भाई, मतलब उसमें ना हम इतना ज़्यादा सामान स्टोर करके रख नहीं सकते थे। लेकिन इसमें मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये तो इतना ज़्यादा बड़ा है तो पता नहीं हम इसमें कितना ज़्यादा सामान स्टोर करके रख सकते हैं। तो अभी एक काम करते हैं, और देखो अभी ना मुझे काफ़ी सारे जो और भी मशीन्स हैं उनको बाय करना है। देखो हमने ना पटैटोस है वो अभी आज तक हमने हार्वेस्ट मतलब उनको सो नहीं करा है, बट उसको सो करने के लिए मुझे बहुत ही बड़ी मशीन चाहिए पटैटो वाली, तो हमें उसको खरीदना पड़ेगा। और आई थिंक उसका जो प्राइस है ना वो लगभग 1,00,000 यूरो का है, और अभी अपने पास यहाँ पे सिर्फ 50,000 के करीब है। तो मुझे और भी ज़्यादा पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा फटाफट से वो जो मशीन है खरीदने के लिए। वैसे थोड़ी देर नहीं थोड़े दिनों बाद हम 1,00,000 यूरो भी इकट्ठा कर लेंगे, बट यहाँ पे कोई नहीं। तो अभी एक काम करते हैं, अभी ना फटाफट जो अपना हार्वेस्टर इसको हम लेके चलते हैं जल्दी से उस वाली शॉप के पास में। पता नहीं उस वाली शॉप से ख़रीदा था मैंने या फिर किसी और से, वो तो चलो कोई नहीं, अभी हमें वहाँ पे चल के देख के पता चल जाएगा। और देखो पिछली बार आपको याद होगा कि हमने ना एक पार्टिसिपेट करा था एक मशरूम कॉन्टेस्ट में, जहाँ पे हमें बहुत ही सारे जो मशरूम्स हैं वो हमें फाइंड करने थे। अब देखो यहाँ पे मैंने कम से कम 10-12 तो कर लेते, बट यहाँ पे ना 6-7 हमने मिस कर दिया, मतलब हमें मिले नहीं यार वो, जिसकी वजह से वो जो कंपटीशन है यार हम वो हार गए थे। बट कोई नहीं, आज हम देखेंगे अगर आज दोबारा से कंपटीशन होता है तो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, देखते हैं कि आखिरकार उस वाले कंपटीशन को जीतने से हमें क्या मिलता है। तो ठीक है, देखो यहाँ पर बात करते करते आखिरकार हम पहुँच चुके हैं इस वाली मशीनरी के पास में। यहाँ पर मुझे ठीक है सामने जैसे वही वाली है क्या, कलर तो मुझे दोनों का सेम लग रहा है, आई थिंक वही होनी चाहिए। काम करते हैं इसको थोड़ा सा मैं अंदर लेके चलता हूँ। ठीक है वही नहीं यार, ये दूसरी है शायद से, एक मिनट, यहाँ पे कलर सेम है बट ये तो मुझे कुछ और ही लग रहा है, ये तो बेलर लग रहा है शायद से मुझे। एक बार हम चेक करके देख लेते हैं क्या बताए वही मशीन तो ना हो। ठीक है ये, हाँ देखो ये स्क्वायर बेलर ही है, इसको नहीं चाहिए हमें। और यहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे नहीं आया, ये तो दूसरी चीज़ है, यहाँ पे वो मशीन नहीं है। और देखो वो रहा है हार्वेस्टर जिसको मैंने बेचा था पुराने वाला, लेकिन देखो अभी जो हमें कॉर्न हेडर चाहिए ना वो यहाँ पे नहीं है। तो एक काम करते हैं अभी ना हम चलते हैं दूसरी वाली पे। ठीक है यहाँ पे ना देखो इस वाले पे चलते हैं, लेकिन अभी ना मैं सोच रहा हूँ कि देखो अगर मैं अभी अपने इसी वाले के साथ जाता हूँ ना, मतलब अपना जो ये हार्वेस्टर है इसी के साथ, तो बहुत टाइम लगेगा, ये ना थोड़ा सा स्लो है। तो अभी एक काम करते हैं, अभी ना फटाफट चलते हैं बस के सहारे। ठीक है बस के थ्रू चलते हैं, हम देखते हैं कि आखिरकार किस वाले शॉप में से हमें वो जो क्या कहते हैं कॉर्न हेडर है ना भाई, मैं बार बार कॉर्न हेडर कह रहा हूँ, मतलब एक कॉर्न हेडर भी होता है और एक ग्रेन हेडर भी होता है, तो हमें दोनों बाय करना है। फिलहाल के लिए अभी हमें सिर्फ ज़रूरत है उस ग्रेन हेडर की। तो ठीक है देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है शायद से, या नहीं फार्म मशीनरी तो है लेकिन यहाँ पे भी नहीं है यार वो। देखो यहाँ पे ये तो दूसरी वाली मशीनें पड़ी है, एक काम करते हैं, नहीं ये भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो मुझे ना अभी दो और बची है, तो एक काम करते हैं उन दोनों में भी जाके चेक करते हैं। अब देखो उन दोनों में से एक ना एक में से निकलेगा, लेकिन पता नहीं कि उन दोनों में से कौन सी वाली है। तो एक काम करते हैं फटाफट चलते हैं, देखते हैं कि आखिरकार हमें किस वाले फार्म मशीनरी में से अपनी जो मशीन है वो यहाँ पे मिलने वाली है। तो गाइस देखो अभी यहाँ पे आ चुका हूँ मैं लास्ट वाली फार्म मशीनरी शॉप पे, और देखो ये पड़ा अपना ग्रेन हेडर भाई, यहाँ पे सबसे लास्ट ही था जिसको हमने देखा, और यहाँ पे 7,200 यूरो का। कोई नहीं, यहाँ से आराम से खरीद लेंगे, यहाँ पे सोशल पॉइंट्स यूज़ करके खरीद सकते हैं, लेकिन सोशल पॉइंट हमने यूज़ नहीं करने, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे जब कुछ हम बहुत ही बड़ा खरीदेंगे ना जो बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा। यहाँ पे एक काम करते हैं अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं, कहाँ पे अपनी जो हार्वेस्टर मैंने खड़ा करा है, देखो यहाँ पे बस इस पे एंटर करना है और यहाँ पे हम अपनी कार में आ जाएंगे। देखो यहाँ पे कितना आसान है, लेकिन यार देखो अभी ना हमें इतनी दूर जाना है भाई, यहाँ पे ना देखो एक तो ये बहुत स्लो है, ठीक है यहाँ पे ये 30 या फिर 31 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे चलती है, तो इसमें ना यार जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट कोई नहीं हमें जाना तो पड़ेगा। हमने उसको खरीद लिया है यार, पिछली बार सस्ती मिल रही थी यार, पिछली बार पैसे हो तो मैं पिछली बार ही खरीद लेता। आपको याद हो कि पिछली बार ना कम से कम 5,000-6,000 यूरो में मिल रही थी, अब देखो यहाँ पे 7,000 यूरो इसका प्राइस कर दिया। अब इसका ना प्राइस कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, बट हमें थोड़ी महंगी मिल रही है, बट कोई नहीं अभी खरीदना तो है। अगर हम इसको नहीं खरीदेंगे और अगर हम वेट करते हैं कि इसके प्राइस को कम होने का, तो अपनी जितनी भी क्रॉप्स ना इतनी सारी क्रॉप्स जिनको हमने इतनी मेहनत से उगाया है तो वो सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। यार थोड़ी सी यहाँ पे ऊंचाई है, यहाँ पे कोई नहीं यार, मैं यहाँ पे गलत लेके आ गया, लेकिन
यहाँ पे शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ पे थोड़ी सी हमें चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। तो चलो कोई ना, अभी काम करते हैं, अभी ना फटाफट अपना जो हार्वेस्टर है हम इसको यहाँ से लेके निकलते हैं और सीधा उसी वाली शॉप पे, और जल्दी से जो अपना वो ग्रेन हेडर है, वैसे कॉर्न हेडर भी वहाँ पे पड़ा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें जब ज़रूरत पड़ेगी, जब हम कॉर्न वगैरह ग्रो करेंगे तब हम उसको खरीदेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो अभी यहाँ पे पैसे क्यों यूज़ करने। तो ठीक है, अभी एक काम करा जाए, अभी फटाफट यहाँ पे इसको लेके निकलते हैं, अपनी जितनी भी क्रॉप्स है सारी की सारी हार्वेस्ट करते हैं, और गाइस उसके बाद हम चलते हैं किसी कंपटीशन में, देखते हैं कि आज कौन सा कंपटीशन होने वाला है। वैसे देखो यहाँ पे ना दो कंपटीशन होते हैं, मैंने देखा था कि एक होता है यहाँ पे मशरूम वाला और एक होता है यहाँ पे ड्रोन वाला। एक मिनट, यहाँ पे चेस्ट पड़ी, अबे यहाँ पे चेस्ट, इसमें भी चेस्ट होती है भाई, इसमें क्या पड़ा है, एक गोल्डन रिंग पड़ी है, नाइस। यहाँ पे इसको अपनी इन्वेंट्री में पहले ऐड करूँ, और यहाँ पे ठीक है फिश ऑयल पड़ा, इसको भी ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ भाई साहब इसमें भी चेस्ट होती है भाई, ये तो माइनक्राफ्ट में होता है ना कि हमें बड़े ट्रेजर मैप मिलता है जिसमें से हमें चेस्ट मिलती है, लेकिन इसमें भी चेस्ट होती है। तो ठीक है, अभी फटाफट एक काम करते हैं, जल्दी से आज जो अपना ग्रेन हेडर है हम उसको लेके आते हैं, और फटाफट जो अपनी क्रॉप्स है हम उनको हार्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, अभी यहाँ पे जो अपना हार्वेस्टर है उसको मैं लेके आ चुका हूँ, निकल जा, ठीक है, शुगर निकल गया, मुझे लगा था मुझे इसको मोड़ के लाना पड़ेगा, लेकिन देखो यहाँ पे ना एक दिक्कत है। अब देखो अपने पास हार्वेस्टर तो हो चुका है, रुको सबसे पहले ना इसको स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे दिक्कत क्या, ठीक है। यहाँ पे पहले इसको नीचे करो, उसके बाद इसको करना स्टार्ट। चलो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब देखो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे ना एक दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे जो हार्वेस्ट है, मतलब जो क्रॉप्स है उनको हम हार्वेस्ट तो कर लेंगे, हम हार्वेस्ट आराम से कर लेंगे, लेकिन अपने पास ट्रेलर नहीं है, तो हम इसको ना कहीं लेके जाके बेच नहीं सकते। तो देखो अभी ना मुझे ट्रेलर भी खरीदना पड़ेगा, बट अगर मुझे ट्रेलर खरीदना है तो उसके लिए मुझे बड़े वाला ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने जो अपना बड़े वाला ट्रैक्टर था ना, जो मैंने खरीदा था भाई, उसको भी मैंने बेच दिया था, ताकि यहाँ पे मैं काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा करके ये जो मशीन है इसको खरीद सकूँ। तो मुझे ना दोबारा से यहाँ पे वो जो ट्रैक्टर था बड़े वाला, वो था 75,000 यूरो का, तो मुझे काफ़ी सारा पैसा यहाँ पे फिर से इकट्ठा करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बिना ट्रेलर के भी जो सामान है, जो क्रॉप्स है, उनको बेच सकता हूँ। बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जितना भी हम हार्वेस्ट कर रहे हैं ना क्रॉप्स, अब देखो ये सारा का सारा स्टोर हो रहा है अपने इस वाले हार्वेस्टर में, तो मुझे ना इसी को लेके जाना पड़ेगा। और आपको पता है ये कितना ज़्यादा स्लो है, और वो जो शॉप है जहाँ पे हमने ये ग्रेन्स को बेचते हैं यार, वो ना बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो उसमें ना बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी जितना भी इस साइड वाली जो क्रॉप्स है इनको ना अपने सिलो में स्टोर कर देंगे, ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर पाए, और जो दूसरी वाली जो क्रॉप्स है जब हम उनको हार्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए हम जो ट्रेलर है वो बाय कर लेंगे। हाँ, थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से मुझे सीड्स वगैरह बाय करने पड़ेंगे, ताकि मैं उनको ग्रो करके उनसे टमाटो वगैरह सारे के सारे जो जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनको प्लांट करके उनको सूप वगैरह बना के बेच सकूँ, और उससे अपने पास पैसे इकट्ठा हो जाए। तो लेकिन देखो अभी ना यहाँ पे देखो, बात करते करते यहाँ पे इतनी सारी जो क्रॉप्स है मैंने यहाँ पे हार्वेस्ट भी कर दी। देख रहे हो भाई कितनी स्पीड में यहाँ पे ये जो मशीन है हार्वेस्ट कर रही है इतनी जल्दी यहाँ पे। आधा तो काम अपना नहीं, आधा से थोड़ा सा कम, बट यहाँ पे बहुत ही जल्दी हो गया यार। अगर अपने पास वो वाली पुरानी वाली मशीन होती ना, तो अभी तो भाई यहाँ पे एक लाइन में कर रहा होता। एक तो वो बहुत स्लो थी, पुरानी भी थी कितनी, आपको पता है कितनी ज़्यादा पुरानी थी, और वर्क भी अच्छे से नहीं करती थी। लेकिन भाई ये जो मशीन है, और अगर अभी आपने देखा होगा तो यहाँ पे मैंने इसमें इतना सारा जो क्रॉप्स है यहाँ पे, इतनी सारी जो ये बेयरली है यहाँ पे, इतनी सारी इसमें स्टोर कर लिया, लेकिन अभी भी इसकी स्टोरेज है वो आधी से ज़्यादा पड़ी है भाई। यहाँ पे देख रहे हो कितनी ज़्यादा स्टोरेज है इसके अंदर, तो इसके अंदर आराम से मुझे लग रहा है कि ये जो क्रॉप्स हम करेंगे ना, इसकी और डबल क्रॉप्स को, डबल नहीं, इसके एक और गुना क्रॉप्स को यहाँ पे हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे सिर्फ 47% भरा है, और यहाँ पे देखो 5,000 kg से ज़्यादा यहाँ पे क्रॉप्स को हमने इकट्ठा कर लिया भाई। ये तो बहुत ही ज़्यादा सही मशीन है। तो ठीक है, अब ये काम करते हैं, पहले फटाफट जितनी भी क्रॉप्स हैं इनको हार्वेस्ट करता हूँ, उसके बाद जल्दी से चल के जो अपना सिलो है हम उसमें स्टोर करते हैं, ताकि जो अपनी क्रॉप्स है वो यहाँ पे ख़राब ना हो जाए। गाइस देखो अभी ना यहाँ पे मैंने सारी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया है, और इसमें लगभग अभी 8,000 kg हमने जो क्रॉप्स है वो यहाँ पे इकट्ठी कर लिया भाई साहब। ये तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। एक काम करते हैं, अभी ना जितनी भी क्रॉप्स है सारी की सारी मैंने अपने सिलो में ट्रांसफ़र करनी है। फिर यहाँ से तो मैं आगे नहीं जा पा रहा, अपनी पाइप को ना यहाँ पे मुझे रोटेट करना है, तो मुझे ना थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, ताकि अगर मैं यहाँ पे जितना भी ग्रेन वगैरह है वो तो सारा का सारा ड्रॉप करूँ, तो वो जाके ना डायरेक्ट सिलो में गिरे। और देखो अगर यहाँ पे मैं इसको करता हूँ यहाँ पे रोटेट, लेकिन अबे भाई ये तो उसके अंदर घुस जा रहा है, ये तो सीधा उसके टैंक से के अंदर घुस जा रहा है। तो रुको अभी ना इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, और यहाँ से अगर मैं मोड़ूंगा नहीं, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं गलत जा रहा हूँ, यहाँ से नहीं मुड़ेगी। देखो यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं, पीछे करके ना इसको थोड़ा सा मैं अपना जो ये हार्वेस्टर है इसको थोड़ा सा रोटेट करूँ, ताकि जो पाइप है अभी चल जाएगी। नहीं भाई ये तो थोड़ी सी दूर जा रही है, इसकी पाइप भी बहुत ही बड़ी है,
इसलिए थोड़ा सा आगे जा रही है, बट कोई नहीं, ऐसे करके मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए थोड़ा सा आगे। और देखो मैं नहीं चाहता कि जितना भी क्रॉप से वो नीचे गिरे, अगर नीचे गिरेगा तो अपना बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा। तो ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब ठीक है, अब यहाँ पे गिरना स्टार्ट करना चाहिए। ओके, यहाँ पे जो ग्रेन्स है वो मैंने नीचे गिरनी स्टार्ट कर दी है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि कितना टाइम लगता है हमें इनको नीचे गिरने में, क्योंकि बहुत ही सारी है भाई। कितनी जल्दी यहाँ पे देखो, इतनी जल्दी यहाँ पे नीचे ड्रॉप हो रहे हैं। एक काम करूँ, एक बार मैं देख लूँ कि नीचे स्टोर हो रहा है कि यहाँ पे सारा का सारा बाहर गिर रहा है। तो रुको, यहाँ पे देखा जाए तो ये भाई सभी क्या है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे देखो 3710 यहाँ पे केजी स्टोर हो चुका है। तो अभी यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी आराम से जितना भी ये ग्रेन्स है, बेरली है, वो सारी की सारी अच्छे से मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ। ठीक है, इसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। ओके फटाफट भाई, बहुत ही जल्दी काम हो रहा है इससे। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि देखो अपना जो ये सिलो है ना, इसका सीन पता है क्या होता है कि अगर हम इसमें एक क्रॉप्स को डालते हैं, जैसे मान लो इसमें अभी मैंने बेरली डाल दी, तो इसमें ना मैं दूसरी क्रॉप्स को यहाँ पे डाल नहीं सकता, मुझे बेरली इसमें डालनी पड़ेगी। अगर दूसरी क्रॉप्स को मैं डालूंगा तो यहाँ पे वो वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो हमें ट्रेलर बाय करना पड़ेगा, या तो मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी। और देखो यहाँ पे ना मुझे एक ना स्क्वायर बेलर भी खरीदना, ताकि जितने भी नीचे आपको दिख रहा है ना वो घास भूसा, वो सारा का सारा इकट्ठा करके उनसे मैं बेल्स बना सकूँ, हे बेल्स होते हैं वो बना सकूँ। और फिर उसकी मदद से मतलब उनको ना अपनी काउस को दे दूँ, एक चारे की टाइप का होता है वो, आपको पता ही होगा। तो अपना ना थोड़ा सा यहाँ पे जो पैसा वगैरह वो बच जाएगा। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि जितना भी ये क्रॉप्स ना, जितनी भी अपनी पीज है ये वाली, ये सारी की सारी हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको ना अभी अपना जो हार्वेस्टर है हम इसी में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक ट्रेलर बाय करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पैसा मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा, बट कोई नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा पैसा हम इकट्ठा कर लेंगे, फटाफट चलेंगे हम, काफ़ी सारे जो सीड्स है वो लेके आ जाएंगे। और अपने पास तो ग्रीन हाउस भी बड़ा ना, तो उसमें शो करते रहेंगे। और यहाँ पर देखो अपने जो वर्कर्स है ना, जिनको मैंने बुलाया था यहाँ पर ये जो क्रॉप्स वगैरह को शो करने के लिए, भाई बीच का एरिया छोड़ गए, मतलब पैसे पूरे ले लेंगे, एडवांस में लेंगे वो भी, और ऊपर से सारा एरिया अंदर का छोड़ दिया। अगली बार से ना हमें देखना पड़ेगा। रुको थोड़ा सा मैं खाना भी खा लूँ, काफ़ी देर से यहाँ पे अब थक चुके हैं। तो ठीक है, यहाँ पे ओ भाई पूरी की पूरी जो हेल्थ है अपनी फुल हो चुकी है। तो ठीक है, अभी अपने अंदर भाई बहुत ही तगड़ी एनर्जी आ चुकी है। तो एक काम करते हैं, अभी फटाफट यहाँ पे जितनी भी थोड़ी सी फास्ट जा रहा हूँ, कोई नहीं आया, जितनी बच रही है ना उसको मैं बाद में हार्वेस्ट कर लूँगा। लेकिन अभी हमें जल्दी जल्दी इसको हार्वेस्ट करना है, अगर बारिश होगी तो बची कुछ जो अभी है ना शायद से ख़राब ना हो जाए। तो अभी फटाफट से एक काम करते हैं, जल्दी से मैं जितनी भी ये पीस है इनको फटाफट मैं हार्वेस्ट करता हूँ। तो गाइस देखो, अभी ना यहाँ पे जितनी भी पीस थी वो मैंने सारी की सारी हार्वेस्ट कर लिया है। अब देखो यहाँ पर ना एक यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, जो कि है एक ड्रोन रेस कॉम्पिटिशन। देखो यहाँ पर ये है लोकल स्पोर्ट्स इवेंट डेज टू इवेंट 3, यहाँ पे डे 3 चल रहा है। एक मिनट यहाँ पे भाई, कहीं हम लेट तो नहीं, एक काम करते भाई फटाफट, अभी ना फटाफट अपनी कार को लेकर चलते हैं। अपने पास एक रेस ड्रोन तो पड़ा, आपको याद होगा कि काफ़ी टाइम पहले हमने एक रेसिंग ड्रोन खरीदा था। ठीक है, उसको हमने उड़ा के भी देखा था, बहुत ही तेज चल रहा था। तो अभी ना यहाँ पे उसको यूज़ करने का टाइम आ चुका है, अभी फटाफट चलते हैं उस वाले कॉम्पिटिशन में, देखते हैं कि आखिरकार उस वाले कॉम्पिटिशन में हमें क्या करना पड़ेगा। वैसे तो देखो है तो कि हमें रेस करनी पड़ेगी, लेकिन पता नहीं वहाँ पर कितने सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, यहाँ पर भाई पता नहीं कितनी दूर तक रेस होगी। तो एक काम करा, यहाँ पे वो जो जगह है ऐसे बस 600-700 मीटर दूर है, और अपनी जो ये कार है इससे तो हम आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा। देखो अभी यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आर पे चल रही है। लेकिन देखो यहाँ पे ना एक मुझे सीन लग रहा है कि वहाँ पे ना डे 3 दिखा रहा है, तो कहीं हम लेट तो नहीं हो गए भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना हम लेट हो चुके हैं, अगर लेट हो गए होंगे तो यार हम उसमें पार्टिसिपेट कर नहीं पाए। अबे बच गया भाई साहब, अभी ये ठुकता। देखो अगर हम लेट हो गए होंगे तो उस वाली कॉम्पिटिशन में ना यहाँ पे हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो एक बार ना मुझे जाके देखना पड़ेगा, क्या पता थोड़ी मिन्नतें करने के बाद हमें पार्टिसिपेट करवा दे वो। तो ठीक है, देखो वो ही सामने वो जगह, यार मुझे कोई दिख तो रहा नहीं वहाँ पे भाई। यहाँ पे एक मिनट, हम लेट हो गए शायद से, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम आने में यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो चुके, क्योंकि अब यहाँ पर मुझे एक बंदा भी नहीं दिख रहा। रुको अपनी कार को देखो भाई, यहाँ पे पूरी हम यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे आसपास हमें एक बंदा या फिर एक भी ड्रोन वगैरह उड़ता हुआ दिख नहीं रहा। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब साफ है गाइस यहाँ पे हम लेट हो चुके हैं, और यहाँ पे अपने हाथ से जो कंपटीशन का मौका है यहाँ पे जा चुका है। अब देखो पिछली कंपटीशन तो हम हार गए थे, बट ये कंपटीशन मैं सोच रहा था कि जीत जो पता नहीं हमें इससे क्या मिलता है, बट यहाँ पे अभी ये भी खत्म हो चुका है। तो हमें ना अगली बार से यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ही कोई कंपटीशन स्टार्ट होता है हमें फटाफट जाके उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, आज के इस वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा फटाफट जाके फॉलो कर लो। और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना।